क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु हमला झेलने जा रही है? क्या इस बार ये हमला दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन करेगा? क्या सुरक्षा एजेंसियों की चूक की कीमत लाखों लोगों को चुकानी पड़ेगी? बीते कुछ महीनों से जिस खौफनाक खबर की आशंका जताई जा रही थी, अब वो सच होती नजर आ रही है। इराक और सीरिया के बड़े इलाके में कब्जा कर चुका ISIS अब एक नए हथियार के साथ तैयार है। ISIS के पास परमाणु ताकत न पहुंचे, इसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो ISIS ने अब खुद को डबल अटैक के लिए तैयार कर लिया है। ये डबल अटैक होगा परंपरागत बम और परमाणु बम को मिलाकर। रक्षा विशेषज्ञ इस डबल अटैक को कहते हैं डर्टी बम, क्योंकि ये डर्टी बम परमाणु बम की तरह ही एक झटके में विनाश नहीं लाता। ये डर्टी बम धीरे धीरे इंसान को अपना शिकार बनाता है, तिल तिल कर मारता है। जितनी बुरी मौत इस डर्टी बम से मिलती है, उतनी बुरी मौत सामान्य बमों से भी नहीं मिलती। माना जा रहा है कि अब ऐसी ही मौत देने की ताकत ISIS के पास आ चुकी है। देखिए बगदादी का कैंसर बम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात बगदादी के इसी कैंसर बम की। आप सोच रहे हैं कि परमाणु बम होता है, केमिकल बम होता है, अब ये नई चीज, ये नई बला कहां से आ गई? दरअसल कैंसर बम वो चीज है जिसके चलने पर आवाज नहीं होती, लेकिन बम की जद में आने वाले लोगों को ये खतरनाक बीमारी हो जाती है। कैंसर बम का शिकार फौरन नहीं मरता, बल्कि धीरे धीरे घुट घुट कर मरता है, और इस्लामिक स्टेट का मुखिया बगदादी यही चाहता है। अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए बगदादी ने इराक के बसरा शहर से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी चोरी करवा लिया है। अब तमाम खुफिया एजेंसियां इस चोरी के तार खंगालने में जुटी हुई हैं। ।1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने दो परमाणु बम गिराए। मानव इतिहास में पहली बार दुनिया ने परमाणु बम की ताकत देखी, खौफनाक ताकत देखी। बम गिरने के बाद निकली ऊर्जा ने आसपास के लोगों को जला डाला, घरों को जला डाला, सब कुछ भस्म कर दिया। चंद ही सेकंड में इन दो शहरों में 1,29,000 लोग मारे गए थे। लेकिन असली तबाही परमाणु बम गिरने के कुछ दिन बाद आई। परमाणु बम गिरने के 4 महीने के भीतर दोनों शहरों में 2.5 लाख लोग और मारे गए। ये 2.5 लाख लोग परमाणु बम से बच गए थे, लेकिन रेडिएशन से नहीं बच पाए। ये लोग बीमारी से मरे, तिल तिल कर मरे। अब दुनिया के लोगों को इस तरह खत्म करने की तैयारी कर रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट। वो चाहता है कि दुश्मन के सैनिक अगर उसके बम से बच जाए, तब भी उन बमों से निकलने वाला रेडिएशन आसपास के सैनिकों को जला दे, उनमें कैंसर फैला दे। यही है बगदादी की साजिश, यही है बगदादी की तैयारी। समाचार एजेंसियों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में तुर्की के एक कंपनी के गोदाम से रेडियो एक्टिव पदार्थ चोरी हुआ था। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लैपटॉप जितने बड़े एक बॉक्स में रखा गया था। अब आशंका है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ ISIS के पास पहुंच गया है। तुर्की के कंपनी ने ये रेडियो एक्टिव पदार्थ तेल और गैस पाइपलाइन के एक्सरे के लिए मंगवाया था, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत इसे गायब करा दिया गया। ये तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा अगर इस मौसिक के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार ISIS के पास में आ जाएं, तो वो 100% इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो मौत से किसी प्रकार की डर नहीं है, वो टोटली ब्रूटल है। पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि ISIS के पास परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ISIS अब तक पुख्ता परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित नहीं कर पाया है। सवाल ये कि फिर दुनिया भर की एजेंसियां घबराई हुई क्यों हैं? दरअसल इसका जवाब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो इराक के बसरा शहर से चोरी हुआ है। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है रेडियम 192। इसे परमाणु ऊर्जा आयोग भी सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल मानता है। चोरी हुई रेडियम 192 के कई कैप्सूल रखे थे जिनका वजन था 10 ग्राम। अमेरिकी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के मुताबिक इरिडियम 192 को कैटेगरी 2 में रखा जाता है,
कैटेगरी 2 का मतलब अगर कोई शख्स इसके सीधे प्रभाव में आ जाए तो रेडिएशन से कुछ मिनट से लेकर कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जानी तय है। यही नहीं, सबसे बड़ा खतरा है बड़े इलाके में लोगों को कैंसर होना। आईएसआईएस का मुखिया अपने बमों में इस जानलेवा बीमारी के बीज डालना चाहता है। जी हाँ, कैंसर बम बनाना चाहता है। जानकारी से डर्टी बम भी कहते हैं। कैंसर बम या डर्टी बम परमाणु बम से अलग होता है। इसमें परंपरागत विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ को जोड़ दिया जाता है। ऐसे बम से हमला करने के बाद आसपास लोग मौजूद बम से नहीं रेडिएशन से मरते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब जंग के मैदान में आईएसआईएस का बम गिरने के बाद तुरंत कुछ तबाही ना हो, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सैनिकों को कैंसर हो जाए। इससे बड़ा खतरा तो ये है कि आईएसआईएस इसका इस्तेमाल जंग के मैदान के अलावा किसी रिहायशी इलाके में भी कर सकता है। ये अगर पेरिस के अंदर बम धमाका हुआ, उसके अंदर बम धमाके के साथ अगर ये लोग इतना एक आधा किलो का भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रख देते तो आप सोच लो कितना डैमेज कर सकता था। आपको बता दें कि बसरा में फिलहाल इराकी सेना का ज्यादा असर है, लेकिन जहां से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी हुआ है वहां किसी तोड़फोड़ के निशान नहीं है। ऐसे में अब एजेंसियां उस आतंकी की तलाश में जुटी है जिसने इसे चोरी किया। बसरा में आसपास के अस्पतालों को भी सतर्क कर दिया गया है कि अगर उनके पास कोई भी शख्स जली हुई हालत में या कैंसर से पीड़ित आता है तो तुरंत एजेंसियों को खबर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। दरअसल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को लामबंद होते देख बगदादी ने डबल अटैक की रणनीति तैयार की है। हवाई हमलों के बीच अब तुर्की और सऊदी अरब के पैदल सैनिक भी जल्द ही आईएसआईएस के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेने के लिए जमीन पर उतरने वाले हैं। ऐसे में बगदादी उनका जवाब इसी कैंसर बम से देना चाहता है। रेडिएशन फैलाने वाले बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि उसका पता हमले के बाद चलता है। यही नहीं, मुश्किल ये भी है कि बगदादी ने कैंसर बम दागने के लिए जरूरी संसाधन भी जुटा लिए। आईएसआईएस का मुखिया बगदादी कैंसर बम कैसे गिराएगा? क्या बगदादी के पास कैंसर बम गिराने की ताकत है? इराक से लेकर सीरिया तक फैले आईएसआईएस के कैंसर बम से कोई न डरता अगर उसके पास इस बम को इस्तेमाल करने वाली ताकत न होती। लेकिन आईएसआईएस के बढ़ते बेरहम कदमों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही जर्मन खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के पास हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते विमान को गिराने की ताकत आ चुकी है। जाहिर है अगर आईएसआईएस के पास इतनी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, तो वो इन मिसाइलों में बसरा से चुराया हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ फिट कर सकता है। कैंसर बम गिराने के लिए आईएसआईएस आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम आईएसआईएस ने सीरिया की सेना से हासिल किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के पास 1970 मॉडल का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही है, जिसमें कंधे पर रखकर मिसाइल को दागा जाता है। इसे चलाने के लिए खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए आने वाले वक्त में बगदादी के कैंसर बम से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इसको किसी भी तरह से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसको कहीं भी किसी भी तरह से दुश्मन के इलाके में या जहां भी अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है। कुछ महीने पहले इराकी सेना की एक रिपोर्ट में भी इस्लामिक स्टेट के पास एयर डिफेंस सिस्टम होने की बात मानी गई थी। माना जाता है कि आईएसआईएस के पास T-55 और T-72 टैंक भी हैं। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे गए रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल कैंसर बम चलाने के लिए किया जा सकता है। साफ है, इस्लामिक स्टेट के आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो इंसानियत और इंसान के नाम की चीज को जानते ही नहीं, तो अगर उसके पोजीशन में डर्टी वेपन आ जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे विश्व को खतरा है, खास करके उन देशों को जो बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर है आईएसआईएस किसी भी कीमत पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लंबे प्लान का हिस्सा है परमाणु बम। कुछ महीनों से ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं कि आईएसआईएस परमाणु बम की फिराक में भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की तलाश में ही आईएसआईएस ने इराक की मोसुल यूनिवर्सिटी से यूरेनियम चोरी किया था।
अभी आईएसआईएस के पास चोरी का 40 किलो यूरेनियम मौजूद है। खुफिया एजेंसियों की माने तो कैंसर बम की तैयारी करने के बाद इस्लामिक स्टेट की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यह आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। जाहिर है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामिक स्टेट के मुखिया बगदादी का कैंसर बम। बगदादी के पास कैंसर बम की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसके पास पहले से केमिकल बम भी मौजूद है। अगर बगदादी इन दोनों को मिलाकर हमला करता है तो बड़ी तबाही तय है। एक ऐसा हथियार जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसा हथियार जिसे पानी में मिलाया जा सकता है, एक ऐसा हथियार जिसे हवा में मिलाया जा सकता है, एक ऐसा हथियार जिसे केमिकल में मिलाया जा सकता है। यह हथियार है बगदादी का कैंसर बम। दरअसल रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले कण इंसान के शरीर का DNA ही बदल देते हैं। एक बार DNA कोडिंग बिगड़ने का नतीजा होता है कैंसर। बगदादी सीधा हमला करने के साथ ही कैंसर बम इसलिए तैयार करना चाहता है कि उसके हमले का असर बहुत सालों तक रहे। एक ऐसा हमला जिसमें कोई न धमाका हो, जिसमें न कोई फायरिंग हो, यहां तक कि हमला होता हुआ था न दिखे, बस अचानक चलती फिरती जिंदगी धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाए। डर्टी बम का अगर अटैक होता है तो ये जो है बम के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला गया है वो जाकर हमारी चमड़ी पे लग जाता है, वो चमड़ी को आहिस्ता आहिस्ता जला देता है और फिर जो है अंदर जाकर पूरे बदन के अंदर फैल जाता है। इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं मिलिट्री पार्लेंस में, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब तक ये साफ नहीं है कि ISIS अपने कैंसर बम का इस्तेमाल किस इलाके में करना चाहता है, लेकिन इतना तय है कि कैंसर बम के तौर पर उसे दूसरा सबसे खतरनाक हथियार मिला है। इससे पहले ISIS घातक जहरीली गैसों को जुटा चुका है। इसका पहली बार खुलासा हुआ था अगस्त। उत्तरी इराक में ISIS के खिलाफ लड़ रहे कुर्द सैनिकों को रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी थी। इसके बाद जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने हमले में मारे गए सैनिकों के खून की जाँच की थी। जाँच में सामने आया कि कुर्द सैनिकों की मौत मस्टर्ड गैस के हमले की वजह से हुई। इसके बाद सीरिया के शहर मारिया में केमिकल हमला किए जाने की खबर आई। इराक सीरिया बॉर्डर पर अब तक कुल 4 बार केमिकल हमले किए जा चुके हैं। इराक में भी पहले अमेरिका ने जब इराक के ऊपर हमला किया था तो ये भी उनके पास खबर थी कि शायद उनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जिससे कि अमेरिकन्स और बाकी जनता को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था। ये केमिकल हमले पाउडर के फॉर्म में मस्टर्ड गैस से किए गए। मस्टर्ड गैस के पाउडर को ISIS के आतंकियों ने बमों में लपेट कर हमला किया था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ISIS ने बाकायदा इन केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के अलग विंग बना दी। इस विंग में इराक और सीरिया के वैज्ञानिकों के अलावा दूसरे देशों से आए तकनीकी जानकारों को भी जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। रेडियो एक्टिव पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल और साथ ही साथ पहले से ही केमिकल बम का इन आतंकियों के पास मौजूद होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद भी।